अस्सलाम वालेकुम माई प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। गाइस आज बहुत अंधेरा दिख रहा है क्योंकि मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठी हुई हूँ और मुझे खानी थी सेहरी। मुझे रहना था 26-27 रजब का रोज़ा। और ये देखो गाइस, काफ़ी बाहर अंधेरा है, ये देखो पूरा अंधेरा था। और मैं क्या होता है ना, जब भी फास्टिंग पे रहती हूँ, रोज़ा रहती हूँ, तो मुझे है ना मॉर्निंग में काम करने का मन नहीं होता है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सेहरी टाइम में ही मैं ज़्यादातर काम ख़त्म कर सकूँ। तो मॉर्निंग का मैं जो भी प्रिपरेशन है अभी ख़त्म करूँगी। और बच्चे लोगों को मेरे लंच में सेवैयाँ ले जानी थी, तो मैं अभी उसे रोस्ट करूँगी। ये रोस्ट पैकेट आता है 10 का देता है, बट मैं इसे भी रोस्ट करती हूँ। थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे को, मार्केट के सामान पे उतना अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है रोस्ट करने से। आप घी में कर लो, थोड़े क्वांटिटी में आप घी डाल के उसमें कर लो। और मैं इधर रेडी कर रही हूँ भुजिया भी, गोभी आलू की। आलू मैं एक्चुअली मैं गोभी रात में काटा हुआ था भुजिया, बट आलू मैं नहीं काटती हूँ बिकॉज़ के काला हो जाता है वो, तो सही नहीं रहता है। और दूसरे साइड मैं दूध भी चढ़ा दी हुई हूँ और दूध भी बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें सेवई डालूँगी और इसे एक बार मिक्स करूँगी। और ये गाइस बहुत टेस्टी सेवई बन के रेडी होती है। और एक चीज़ और, जब आप सेवई बना रहे हो ना, तो प्रॉपर तरीके से जब सूख जाए लास्ट में, तब फिर एक बार और दूध इंक्लूड करके और एक बॉयल करके फिर ऑफ़ कर देना, फ्लेम को बंद कर देना। तो ये मेरा इधर सेवई भी रेडी हो रहा था और मैं भुजिया भी काट रही थी। और लगे हाथ मैं सब काम ज़्यादातर अभी ही फिनिश कर दूँगी बिकॉज़ रोज़ा रह के मैं इसे ज़्यादा काम भी नहीं होता है। और मॉर्निंग में कुछ हड़बड़ी भी ज़्यादा रहती है, 2 बच्चे को स्कूल, हस्बैंड का लंच, तो इस वजह से मैं आशान बेटा बोल रहा था कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो बच्चे लोग का एक अलग ही मतलब रहता है कि उसे भी उठने का मन था। गाइस ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ किशमिश डालूंगी। अच्छे गाइस, बहुत से लोग बोलते हैं कि 26-27 का रोज़ा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ऐसे ये इबादत का महीना है और इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत इबादत करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 26-27 पूरे, मतलब इस महीने में आप कभी भी रोज़ा रहो तो वो बहुत मतलब अच्छा होता है। और एक चीज़ और कि YouTube पे बहुत तरह की बातें होती हैं, कोई मौलाना कुछ बोलता है तो सबको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर फॉलो वही चीज़ करनी चाहिए जो आपको कुरान में मेंशन किया हो। इसलिए ही कहा जाता है कि कुरान थोड़ा ही पढ़ो बट मानी से पढ़ो। तो मैं बोलूँगी कि अभी जो इबादत का महीना चल रहा है ना, हम लोग को रमज़ान के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, रमज़ान के लिए रेडी किया जा रहा है कि अभी से हम लोग यूज़ टू हो जाएँ, एक डिसिप्लिन में, इबादत के डिसिप्लिन में आ जाएँ और उसे फॉलो करने लगे। तो गाइस ये मेरा भुजिया भी इधर रेडी हो रहा है। और ये देखो सेवई जब लास्ट हो जाए ना, ऐसे एंडिंग पॉइंट पे सूख जाए, तब आप इसमें दूध डालो और फिर उसे थोड़ा सा मतलब अच्छे फॉर्म में आ जाए जब, तो फिर एक बॉयल होगा और देन आप इसको फ्लेम को बंद कर देना। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत आप चाहो तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल देना। बहुत से लोग को पसंद आता नहीं, मेरे फैमिली में केवड़ा वाटर बहुत पसंद करता है लोग। आप पुलाव हुआ या फिर आपका इसमें सेवई में हुआ, इन सब में, शीर खुरमा में भी मैं यूज़ करती हूँ, तो वैसे ही थोड़ा सा आप इसमें भी डाल। ड्राई फ्रूट्स में मैं हार्ड ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बादाम और किशमिश तक ही मैं रहने देती हूँ। ये बच्चों का लंच भी मैंने निकाल दिया हुआ है, उन दोनों का भी। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम इसी वक्त हो जाएगा, बस सुबह में थोड़ा बहुत रहेगा झाड़ू वाड़ू बिस्तर ऑर्गेनाइज़ करना। और मैं आ गई हूँ ब्रश करने बिकॉज मैंने जब उठी थी मॉर्निंग में तो मैं ब्रश नहीं की थी उस वक्त, और अब मैं ब्रश करूँगी। ब्रश करके मैं होंगी पूरी तरह से फ्रेश। और ये रहा मेरा सेहरी, और मैं सेहरी करूँगी अच्छे से बिकॉज़ मैं जम के सेहरी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा क्वांटिटी में खाती हूँ, भले खाना ना खाऊं बट सेहरी मैं करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ। ये देखो बाहर का व्यू, बहुत अंधेरा था और बहुत ठंडी हवा चली है। आजकल दिल्ली में बहुत ठंडी हवा चली, धूप तो हो रहा है जम के बट हवा बहुत तेज़ थी। तो ये देखो बहुत से, ये सामने वाले बिल्डिंग में भी रोज़ा फास्टिंग करने वाले हैं लोग, तो कोई कोई जगह हुए थे और बहुत से लोग सोए थे क्योंकि हम लोग जिस लोकेशन उत्तम नगर वेस्ट में रहते हैं तो मिक्सअप एरिया है वो, हिंदू मुस्लिम सब हैं। और ये देखो चाय, चाय के बिना तो मेरी मॉर्निंग की ना शुरुआत होती ना कुछ भी नहीं होता है, इनकम्प्लीट सा मेरा लाइफ लगता है। तो वो मेरा चाय हुआ था, वो मैं पी, और बच्चे का ड्रेस भी मैं रेडी कर दी थी सेहरी के टाइम में ही मॉर्निंग में। आप जब रोज़ा जब आने वाला है जो मार्च में, तो आप उसमें भी इस नियम को फॉलो करना। उसके नहा धोवा के मैं सुबह में जोहर से पहले
कुरान की तिलावत की, और धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी कि तिलावत करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं धूप में ही बैठ के तिलावत की, मेरे घर में बहुत अच्छा धूप आता है। और गाइस, आप जब भी कुरान हदिया कराओ ना, तो सिंगल सिंगल पीस पारा लेना, बिकॉज वो बहुत यूज़फुल होता है। और घर में एजेड पर्सन है या आप डिलीवरी वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम रीज़न, आप इसे ईज़िली पढ़ सकते हो। वो बड़ा वाला थर्ड पारा का जो होता है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो और मैं उसके बाद मैं आराम की थी, सब वीडियो में नहीं मतलब ये कर पाती हूँ कैप्चर, बट उसके बाद मैंने पानी भरा, शाम का चना चढ़ाया, और मैं इधर बेटी को पढ़ने के लिए शाम का जो रूटीन होता है ट्यूशन टाइम उनका जो होता है 4:30 में बैठा देती हूँ पढ़ने। और मैं आके बीच में सामिया से पूछ रही थी, बिकॉज इसका हिंदी का पेपर था, और हिंदी का पेपर इसको बहुत टफ लगता है, सच्चाई यही है। हिंदी में सामिया को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वही सुन रही थी मैं। और फिर इसको आप एक स्लेट, आप लोग बचपन में यूज़ करते थे ना, आप तो ब्लैक बोर्ड करके आता है बड़े बड़े साइज़ में, तो वो मैं रखती हूँ। तो जब भी लर्न कराओ ना बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट, स्पेशली छोटे बच्चे को, तो फिर उस पर बोलो कि आप राइट करो, तो उससे है ना आपको मतलब उनको भी फीलिंग अच्छी आती है, गर्व्स आ जाता है कि अब मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको अभी थोड़ा इनकम्प्लीट था, तो फिर बोला मैंने कि वेट करो, अजान की टाइम हो गई थी। तो मेरे यहाँ आज अफ्तार में फ्रूट नहीं था, तो मैं जो भी था उसको रखा और सारे बच्चे को बैठाया और दुआ किया, साथ में दुआ करने को श्यान को भी बोला। गाइस, आप भी अपने दुआ में हमें याद रखिएगा, हमारे सेहत तंदुरुस्ती, और मैं भी आप सबको याद रखी हूँ। आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और ढेर सारे सेहत के साथ इस दुनिया में सर्वाइव कीजिए। और देखो सामिया मेरी बात कर रही थी, और मैं भी अपना रोज़ा खोली। और गाइस, लाइक सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज़ गाइस, आई लव यू गाइस।